साथियों नमस्कार। जिनके पास बचत खाता है यानी सेविंग अकाउंट है उनके लिए भी और जो लोग सेविंग अकाउंट खुलवाने वाले हैं इन दोनों के लिए मैं एक अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। इस जानकारी को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक सुने और जानने का प्रयास करें कि आपका कहां कहां नुकसान हो सकता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं सेविंग अकाउंट से। हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि हमारे चैनल पर आप पहले आए हुए हैं, नए आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नवीनतम जो भी वीडियो हैं हर क्षेत्र से आपको मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। साथियों, दो तरह के खाते जनरली खोले जाते हैं हम लोगों के क्षेत्र में, या ज़्यादा खाता खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। दोनों खातों में बहुत मामूली सा अंतर होता है, लेकिन हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट यह पूर्णतः जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं ये उनके लिए हैं, किसान हुए, मजदूर हुए, इस टाइप के लोगों के लिए ये खाता बनाया गया है। इस खाते में जो भी पैसा आप रखते हैं उस पैसे पर आपको ब्याज भी मिलता है और आपको पूरे दिन भर में 5 ट्रांजैक्शन फ्री आपको करने का मौका मिलता है। 5 बार से अगर आप ज़्यादा बार उपयोग करते हैं तो आपको इसके लिए चार्ज अतिरिक्त देना होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसमें आप पैसा जीरो बैलेंस तक निकाल सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, कोई अगर दिक्कत आ गई, तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपया मिनिमम खाते में है तो वो नहीं निकलेगा। आपको इमरजेंसी है तो आप जीरो एक बैलेंस कर सकते हैं अकाउंट को, फिर जब आपके पास पैसा हुआ तो आप पैसा अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन अगर सही टाइम पर पैसा नहीं डालेंगे तो कुछ आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज आपके खाते से काट लिया जाएगा। यह सबसे बड़ी इसकी खासियत है। इस सेविंग अकाउंट में आपको ATM भी मिलता है, नेट बैंकिंग भी मिलता है और मोबाइल SMS भी मिलता है, लेकिन इन सब के आपको अलग अलग चार्ज भी देने पड़ते हैं। अगर आप चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो आपको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। हाँ, जो लोग 18 साल से नीचे वाले हैं, नाबालिग हैं, यानी जो लोग छात्रवृत्ति के लिए या विद्यालय के लिए या उस टाइप के लिए खाता खुलवाए हुए हैं उनके लिए जीरो बैलेंस भी होने पर उनका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है। सबसे बड़ी खास चीज़ कि अब हर जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता आ पड़ी है किसी भी अकाउंट को खुलवाने को लेकर के। लेकिन अभी सेविंग अकाउंट खुलवाने में अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो भी आप फार्म 16 भर करके सेविंग अकाउंट SBI में आराम से खुलवा सकते हैं और आप लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, पूरे साल में यदि आप 10 लाख तक का लेन देन करते हैं, नगद जमा या निकासी करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी रिपोर्ट आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदे की चीज़ है कि 10 लाख रुपए बचत खाते में जो बिजनेस नहीं करते हैं उनके लिए बहुत माने रखने वाली चीज़ है, वो लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो, मेरे बताने में कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द जो है उसका रिप्लाई दूंगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं लेकिन मैं पढ़ करके सुनाऊंगा आपको, तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा जो सुनने में आपको बोरियत लगेगा। तो साथियों, बस इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नवीनतम वीडियो पाने के लिए जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नया नया वीडियो जो है आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथियों नमस्कार।